अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा एंड वेलकम टू द आयशा ब्यूटी पैलेस। जी आज की वीडियो अगेन एक व्लॉग है जो कि ईद शॉपिंग के हवाले से है। तो जी व्लॉग का स्टार्ट करते हैं फ़ोन दिखाने वाली शौकी से। और आप लोगों को पता है, पहले भी बताया कि मुझे अभी व्लॉग अपलोड करने का इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं कि व्लॉग में जी कैसे बताना मैं ये करी मैं वो करी। खैर है, वीडियो बना बना के आ जाएगा व्लॉग बनाना भी। तो जी स्टार्ट करते हैं आज की शॉपिंग में। कुछ ब्रांड्स की शॉपिंग है और कुछ जी लोकल मार्केट शॉपिंग है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि चीज़ अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मैटर नहीं करता कि वो ब्रांड से बाई की हुई या वो लोकल मार्केट से बाई की हुई है। तो अगर आप लोगों को व्लॉग देखना पसंद है तो आप लोगों ने मेरे रिसेंट व्लॉग भी लाजमी देखना है, जिसमें मैंने आप लोगों से अपनी ईदी शेयर की हुई है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना है और दिल किया तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर देना है। तो यहाँ जी मैं बाहर जाने के लिए रेडी हो गई थी। आपने देखे मुझे बिल्कुल नहीं डरना कि इसको क्या होगा। आपको पता है कि मुझे मेरी स्किन पे जो मसला चल रहा है, मुझे सनबर्न का मसला हो गया था, एलर्जी का मसला हो गया था, तो अभी तक वो ठीक नहीं हुआ। लाइक सनबर्न वाली जो जगह है ना, आपको पता है कि वो हील करने में थोड़ा टाइम लेती है। बाकी जो फोरहेड के पिंपल्स हैं काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी सी सैड सूट थी कि मुझे डॉक्टर ने मना किया था कि अभी बाहर नहीं निकलना, आपने हीट अपने फेस को नहीं लगानी वरना ज़्यादा जल जाएगा। लेकिन खैर है, मैंने यहाँ सन ब्लॉक खाली अप्लाई कर लिया है, जाना भी ज़रूरी था, और इसलिए फिर मैंने आज डिसाइड किया, आज नहीं बल्कि आज वॉइस ओवर करी। मैंने तकरीबन 3-4 दिनों पहले की वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। तो जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि सनब्लॉक लाजमी अप्लाई करके बाहर निकला करें, नहीं तो आपकी स्किन पे सनबर्न हो सकता है। और सनबर्न किस कदर शदीद हो सकते हैं मुझे अच्छे तरीके से पता है कि आपकी स्किन जल जाती है। अभी भी कई लोगों को ना चोचले लगते हैं, उनको पता ही नहीं कि वाकई हीट हमारी फेस को ऐसे रिएक्ट कर सकती है। बाकी जो एक्ने का एक्सपीरियंस है मैंने आप लोगों से वो भी वीडियो में शेयर किया। आप लोग मेरी वीडियोज लाजमी देख लिया करें कमेंट में पूछने से पहले कि आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। इससे पहले कि आप लोग मुझे कहे तो का वक्त और आप सनब्लॉक की बात कर रही है, तो एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जरूरी नहीं कि आप डे टाइम सिर्फ सन से बचने के लिए सनब्लॉक अप्लाई करें। आप अपने फेस को हीट से बचने के लिए भी, स्वेटिंग जो आती है मास्क की वजह से उससे बचने के लिए भी सनब्लॉक अप्लाई कर सकते हैं। तो जी यहाँ पहले रुके थे पापा और भाई की ईद के कपड़े देते टेलर को सिलाई करने के लिए, और इन्होंने भी अपने रेट आसमानों को चढ़ाए होते हैं। लाइक 1200 रुपीज एक सूट की सिलाई की। मुझे समझ नहीं आती कि लड़कों के सूटों में क्या डिज़ाइन होता है, सिंपल सिलाई होती है लेकिन फिर भी इन्होंने रेट ऐसे बताने होते हैं कि इनका बस नहीं चलता कि यहाँ भी कह दे जी इमरान खान ने आगे रेट महंगे किए। तो जी फिर हम चल पड़े क्रीम मार्केट की तरफ। अगर आपने ब्रांड की शॉपिंग करनी हो या आपने लोकल चीज़ों की शॉपिंग करनी हो तो क्रीम मार्केट बेस्ट मार्केट है। यहाँ आपको सारे ब्रांड्स भी मिल जाते हैं और यहाँ आपको लोकल मार्केट में भी इतनी वैरायटी मिल जाती है। तो अब वैसे तो आप लोगों को ऑरेंज ट्रेंड देख के अंदाजा हो ही क्योंकि मैं कहाँ से, लेकिन फिर भी बता रहे थे कि लाहौर की बात करी, लाहौर की क्रीम मार्केट की मैं बात कर रही हूँ। तो जी पहले जी हमने जो शॉपिंग करनी है ना, वो जी हमने करनी है उनके लिए। मतलब ये कि अपने फियांसे की ईद के लिए मैंने शॉपिंग करनी है। उन्होंने तो मुझे ईद दे दी थी, लेकिन अब जी मेरी बारी है शॉपिंग करने की। Oh my God! Wow! तो फिर जी लेने थे शूज़ मेरे भाई का, और उनका मतलब कि जो पाँव का साइज़ है वो सेम था, तो इसलिए भाई को हम साथ लेते हैं कि भाई चेक करता है, ट्राई करता है, उसको फिट आ जाए शूज़ या सैंडल जो भी हो, देन फिर उनका साइज़ होता है। तो यहाँ जी हम सिलेक्शन कर रहे थे, काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन पता क्यों ईद की वजह से ना ब्रांड की शॉप चीज़ों पर भी ना अजीब अजीब से फॉल्ट हो गए। तो मतलब कोई एक होता ना नफासत नज़र आ रही हो जूतों के ऊपर, वो चीज़ थी नहीं। मतलब प्राइस उन्होंने प्रॉपर लगाई हुई थी लेकिन शूज़ जो थे ना वो अजीब अजीब से थे, कहीं से उखड़े हुए थे, कहीं से कोई गम लगी हुई थी, बहुत अजीब सिस्टम था। लेकिन हील्स में भी काफ़ी वैरायटी थी और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी। दिल का था बंदा साड़ी ले लेकर, मैंने अपने आपको भी ट्रोक के रखा था कि आयशा भी शॉपिंग के दिन आगे भी आने, ज़रा सब्र कर लो, नए नए डिज़ाइन आ जाएंगे। तो जी यहाँ से हमें फिर शूज़ पसंद नहीं आए, फिर हम आगे चल पड़े और भाई ने मैं ही उतार दिया था कि उसको ना काम था क्रीम मार्केट में, तो वो फिर वहाँ चला गया। दैन फिर हमने अपनी शॉपिंग खुद की। तो फिर इस रोड पर आपको काफ़ी ब्रांड्स मिल जाते हैं और आपको लोकल मार्केट की चीज़ें भी मिल जाती, मतलब दोनों मिक्स ही है, आपको लोकल चीज़ें भी मिल जाएगी, आपको ब्रांड की चीज़ें भी मिल जाएगी। तो जी हमने सबसे पहले लेनी थी पैंट शर्ट, तो पैंट शर्ट के लिए हम जो ज़्यादातर लेते हैं ना वो जो हम लेते हैं इंजन से। तो जो यहाँ है ना वो इंजन का मेन फैक्ट्री आउटलेट है, तो आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। तो सबसे पहले जिस शर्ट की सिलेक्शन करनी थी वो काफ़ी देख देख के मुझे फिर एक शर्ट पसंद आई और मुझे काफ़ी अच्छा वो कलर लगा, तो उसके बाद जी उसके साथ पेयर बनाना था पैंट का, तो उसके लिए भी फिर सारी देखिए कि कौन सा पेयर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, दैन जाके फिर एक सिलेक्ट की। तो जैसा पेयर उनका लिया ना वैसा ही पेयर हमने भाई का लिया, और हम ट्राई करते कि मम्मा यूसुफ का भी वैसा ही मिल जाए पेयर। लाइक वो शर्ट का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा था, लेकिन इनके पास बच्चों में सेम वैरायटी नहीं थी, इनके पास बिल्कुल डिफरेंट थी। तो यहाँ जी हम दोबारा से शूज़ या सैंडल कुछ भी सिलेक्ट करने आ गए थे कि कोई पसंद आ जाए, तो यहाँ भाई नहीं थे, तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि क्या चलती है चीज़, क्या चीज़ नहीं चलती। तो यहाँ मुझे देखे मुझे एक दो डिज़ाइन पसंद है, देन फिर मैंने भाई को बुला लिया, मैंने उनसे कहा कि आप खुद देख लो, जो आपको पसंद आता है आप बाई कर लो, हम फिर दूसरी जगह शॉपिंग कर लेते हैं। फिर जी यहाँ जी हम बनानजा आए, बनानजा से भी हमने कुछ ड्रेस देखने थे, मामा ने अपना लेना था, भाभी ने अपना लेना था, और मैंने कहा चलो मौका लगा मैं भी अपना दे ही लेती हूँ, हालांकि मेरे पास ड्रेसेस ईद के पहले ही मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं। लेकिन यहाँ आके ना मतलब बहुत ही मुश्किल से ना आपको कोई डिज़ाइन पसंद आएगा,
एमवी ब्रांड के पीछे ना मारे ना जाना, मैं आपको बता रही हूँ। ईद के पास आके ना ये ब्रांड वाले भी अजीब सी चीज़ें निकाल देते हैं, बेतुके डिज़ाइन सामने रख देते कि आवाम ने ना लेने ही लेने हैं। तो यहाँ आके मुझे कोई एक डिज़ाइन बस पसंद आया था, पिंक कलर का, काफ़ी अच्छा लाइट सा समर समर टच पे सूट था, और मेरी भाभी को भी वही ड्रेस पसंद आ गई थी। फिर हम दोनों ने सेम कलर का ड्रेस ले लिया। और यहाँ जी मेरी मम्मा और भाभी ज़रा आधा घंटा भी होता नहीं इनको मार्केट में फिरे हुए जी, इनको प्यास लग जाती, इनको भूख लग जाती है। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया लेमन सोडा, जो कि ये लोग कहते हैं था इसको तो मुझे कहते तुम भी पियो टेस्टी है, टेस्टी। तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं। लाइक मैं ना आपकी जो आपकी है ना थोड़ी बहुत इन चीज़ों में ना है दूर दूर, लाइक मुझे ग्लास वगैरह में बाहर के बर्तनों में ना खाना अच्छा ही लगा। तो फिर मैंने उसे डिस्पोजेबल ग्लास लिया, जो कि उसने कहा था कि 10 रुपये ये महंगा है, लेकिन ये था कि बाद में उसने ना 10 रुपये नहीं लिए थे। और इसके साथ साथ जी फ्राइज भी मैंने ले ली थी। अब हम चलते हैं अपनी लोकल मार्केट की चीज़ें आप लोगों को दिखाने। अच्छा तो रास्ते में ना मैंने देखा कि लेडीज़ ना सेल कर रही शर्ट्स वगैरह, हालांकि मुझे बाय नहीं करनी थी, लेकिन मैं आप लोगों को भी एडवाइस दूंगी कि अगर आप लोगों को नहीं भी बाय करनी तो ना आप एक चीज़ ले लिया करें इनसे, इनको अप्रिशिएट किया करें। तो हाँ जी मुझे एक शर्ट, हालांकि आप देख रहे हैं कि क्वालिटी भी इनकी अच्छी नहीं थी, इनके कलर्स भी कुछ खास ही थे, लेकिन लेडीज़ कर रही थी सेल, तो फिर उनको अप्रिशिएट करने के लिए जी मैंने यहाँ से एक दो शर्ट पसंद किया और मैंने बाय कर ली। फिर जी एक स्टॉल पर काफ़ी अच्छे अच्छे फैंसी कुर्ते लगे थे, इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे थे। तो यहाँ से भी मैंने 2-3 चीज़ें बाय की। मैं आप लोग इस वीडियो में ये नहीं दिखाऊंगी कि क्लियर करके मैंने क्या क्या लिया, मैं जस्ट आपको एक ब्लॉग शेयर करके आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं कंप्लीट प्रोडक्ट्स रख के ना आप लोग ईद की शॉपिंग शो कर दूंगी। तो यहाँ से जी ब्लैक वाला आप कुर्ता देख रहे कितना के जबरदस्त था, ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है, रेड रेड का टच दिया हुआ है। तो यहाँ जी हमने ये पेयर बाय किया, ये कह रहा था कि 2000 की ना आपको एक शर्ट ही मिलेगी, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और काम भी अच्छा हुआ था, लेकिन ये था कि मैं बार्गेनिंग करके ना 1500 तक वो मान गया था। तो फिर जी इसी के पास ना एम्ब्रॉयडरी कैपरी भी गया थी, तो वही मैच करके फुल ड्रेस कर लिया था। तो जी इसके पास क्वालिटी के साथ ना काफ़ी अच्छे डिजाइन थे, तो 3-4 पेयर इससे बाय किए थे, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई एंड आखिर ये क्लिप बच गया। तो वो जो पैक होते हुए मैं आपको दिखा रही वाला ड्रेस मैंने बाय किया था, तो मम्मा को एक कलर नहीं पसंद है, तो मैं कहती क्या तुमने मायो वाला रंग लिया, जबकि पिस्ता कलर ना इतना डिसेंट सा कलर लगता है। जी इधर आओ, ये देखिए मेरी मम्मा आगे निकल गई है, पता है मैंने यहाँ से अब ये भी लेनी है चीज़ें, तो मेरे हाथ नहीं आ रही, आगे निकल गई है। मम्मा इधर देखो तो सही आके लग गई है। तो जी फाइनली मामा फिर हाथ आ गई, तो हमने कुछ और शर्ट्स वगैरह लॉन्ग फ्रॉक वगैरह बाय कर ली। आजकल दोबारा से ना लॉन्ग शर्ट्स का ट्रेंड चल पड़ा, तो मैं देख रही थी काफ़ी वैरायटी उसमें भी मौजूद थी। तो घर पे पहनने के लिए ना आपको सिंपल लॉन्ग की चीज़ें ज़्यादा रिलैक्स करती है, एम्ब्रॉयडरी मुझसे घर पर नहीं पहने जाते। और फिर कुछ अनस्टिच ड्रेस भी लिए कि घर पर 2 पीस ज़्यादा तक चलते, तो वो घर पर बंदा ईजिली पहन ले। तो यहाँ मैं रेट्स क्लियर कर दूँ कि अब सिर्फ ना एक बात रहेगी कि ब्रांड की चीज़ें महंगी होती, आप यह मार्केट्स फिर के देखें तो आपको पता लगे कि सिंपल सिंपल खाली कॉटन की शर्ट ही ना आपको 1500 से कम नहीं वो लोग दे रहे, अगर क्वालिटी अच्छी है तो फिर और ज़्यादा करते, मतलब ब्रांड का सिर्फ एक ना एक नाम ही रह गया, अदरवाइज महंगाई ना टका के लगी हुई है लोकल मार्ट की भी। तो जी मैंने ना आप लोगों से शॉपिंग के लिए उनकी ना शेयर की हुई थी, पूरे क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो क्लिप्स मेरा फोन अपडेट हुआ, क्लिप्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो गए, मुझे स्पेस चाहिए थी, मुझे पता लगा मैंने वो डिलीट कर दिए, तो इसलिए मैं आप लोगों को वो शॉपिंग कम्प्लीट नहीं दिखा पाई, लेकिन मेरी मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है। तो जी फिर वापसी आते हुए आपको पता है जी पेट पूजा करनी होती है, तो वहाँ फिर रुके, हर एक डिफरेंट डिफरेंट फरमाइश होती है, तो फिर जी हर एक डिफरेंट डिफरेंट फरमाइश के अकॉर्डिंग हम फिर रुकते 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 फिर घर जाके पहुँचे। तो जी ये था आज का व्लॉग, वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द पैलेस, क्योंकि मेरे पैलेस में व्लॉग आपको ज़रा भी कम ही मिलते, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ मिलती है। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि मैं कमेंट रिएक्शन पर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, तो मुझे मेरी ऑडियंस ने ज़रा रिस्पॉन्स किया कि उनको वो वीडियो भी चाहिए, तो कमेंट अब मैं इकट्ठे कर रही हूँ, मुझे भूल भी जाते कौन क्या कमेंट करता है, लाइक मैं इतना ध्यान नहीं देती इन चीज़ों पर, लेकिन ये क्या मैं इकट्ठे कर रही हूँ, मैं इंशाल्लाह जल्दी ना आप लोगों से कमेंट की रिएक्शन की वीडियो भी शेयर करूँगी जस्ट फॉर फन, वरना जो बैड कमेंट्स करते हैं उनको मैं बता दूँ उनको आपको टाइम नहीं देना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए, इग्नोर की जो मार होती है ना वो सबसे ज़्यादा बुरी मार होती है, तो आप लोगों को वो मारनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।